अगर आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के टाइम पे ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स जो है अपने करियर में काफी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप जो है उस लेवल की थिंकिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस लेवल की क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है जो कि इंडस्ट्री जो है आज के टाइम में डिमांड कर रही है। इसी सीरीज के अंदर आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ टॉप एमबीए कॉलेज इंडिया के अंदर, उन टॉप कॉलेज एमबीए कॉलेज की मैं डिस्कशन करूंगा जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कराते हैं। देखो, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ट्रेडिशनल तरीका, वही घिसा पिटा तरीका कि आप लगातार काम करते जाइए, कई सालों तक आप काम करिए और उसके बाद जो है आप जाके कहीं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आप किसी कंपनी के अंदर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन उतनी हायर कर लो कि आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सको। तो उसका एक सबसे आसान तरीका है कि आप जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपके हायर चांसेस है कि आप उस लेवल पे काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। कई सारे कॉलेज में आज वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जो कि आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप उन कॉलेज के बारे में सर्च करके एडमिशन भी ले सकते हैं। पहला हमारा कॉलेज है निक मार। काफी सारे सिविल इंजीनियर ने इस कॉलेज के बारे में सुना होगा, काफी फेमस कॉलेज है जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कराता है। पूरा जो इसका नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, क्लियर। पुणे और हैदराबाद के अंदर इसकी ब्रांचेज है। सबसे पहले ये पुणे में स्टार्ट हुआ था, अभी रिसेंटली इसने अपना जो कैंपस है वो हैदराबाद के अंदर भी किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, दोनों मोड के अंदर ये मैनेजमेंट कोर्सेज कराता है। आप जाके इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, तो अगर आपके पास में ऑफलाइन टाइम है तो आप जाके ऑफलाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसके जो ऑनलाइन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स जो है ये ऑफर करता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये एमबीए कराता है, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कराता है, इसके अलावा और भी कई सारे शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स जो है ये ऑफर करता है। और इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये टोटली फोकस करता है सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मुझे अगर एमबीए फाइनेंस करना है, मुझे एमबीए मार्केटिंग करना है, तो ये वो नहीं कराता। ये जो इंस्टीट्यूट है टोटली फोकस करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, तो काफी फेमस इंस्टीट्यूट है और काफी लोगों ने यहाँ से एमबीए करके अपने करियर के अंदर काफी ऊंचाइयां अचीव की है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है RICS SBE, ठीक है। ये बेसिकली इसका पूरा नाम है RICS स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट। ये जो स्कूल है, ये मतलब जो कॉलेज है, ये MIT यूनिवर्सिटी का है। सो MIT यूनिवर्सिटी से ही आपको सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे इशू किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, BBA इन रियल इस्टेट और MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सिर्फ कुछ ही कोर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, काफी सारे कोर्सेज ये इंस्टीट्यूट कराते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करना, वहां पे आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्या फी स्ट्रक्चर है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, आपको सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। ये जो इंस्टीट्यूट है, मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है वो खुद के अपने रिटन एग्जाम लेते हैं जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, या फिर जो कैट का एग्जाम होता है जिसमें एमबीए बाकी अदर ब्रांचेस के अंदर एमबीए एडमिशन होता है, उसके थ्रू भी कुछ कॉलेज जो है लेते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी या एडमिशन प्रोसीजर जो है इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो कॉलेज है ना, ये आपको ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी चलाता है मैनेजमेंट के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी चलाता है, जैसे BBA इन रियल इस्टेट। तो जितने डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। MBA कौन करेगा, जिसने BTech किया हुआ, तो आप ये प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये 5 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसके अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों आपको डिग्री मिलेगी और 5 साल का आपका वो टोटल प्रोग्राम रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। काफी फेमस जो है ये कॉलेज है, हैदराबाद के अंदर इसकी ब्रांच है। ये भी जो कोर्स ऑफर करता है, ये ऑफर करता है आपका एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
सो ये जो आपको एमबीए कराएगा या जो मैनेजमेंट का कोर्स आपको कराएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आपको कराएगा। तो आप देखो, आप ना स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी काम कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आपको करना है, एनवायरमेंट के अंदर आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना है। सो ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी भी आपको मिल जाएगी कि आप जो है मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर भी आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आप एमबीए वगैरह का कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में भी जाके देखना, काफी फेमस इंस्टीट्यूट है। इसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। तो जितने लोगों को आईआईटी का अपने टैग लगवाना है वो आईआईटी जा सकते हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई जो है आपका आईआईटी मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब जानते हैं इसके बारे में। ये आपको कोर्सेज बेसिकली ये ना इस जो अभी आईआईटीज वगैरह हैं इनमें ना आपको मैनेजमेंट टाइप के कोर्स अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एमबीए वाले जो कोर्सेज हैं यहाँ पे क्या है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो किया कराए जा रहे हैं, 6 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर ड्यूरेशन के इस तरह के कोर्सेज है। तो यहाँ पे आपको जो कोर्स देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप ये भी जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा कोर्स जो है वो अवेलेबल है और किसमें आप जो है एडमिशन जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ आपको, दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। एक फुल टाइम कोर्स है और एक पार्ट टाइम कोर्स है। फुल टाइम कोर्स मतलब जिसमें आपको एक रेगुलर डिग्री मिलेगी। जैसे आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, पूरी फुल डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरे क्या है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है कि आप 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हो, 1 ईयर का कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कर रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आपको फुल टाइम कोर्स नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के अंदर भी कोर्सेज कराया जा रहा है जो कि है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। तो आप आईआईटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा जो शेड्यूल है वो अवेलेबल है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है एआईआई। इसका फुल फॉर्म है, ये है अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में हो सकता है कि आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। तो अडानी का भी अपना एक कॉलेज है जहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो है वो चलाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं बेसिकली पीजीडीबीएम कराया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है जो पीजीडीबीएम होता है, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर कराया जाता है। और अडानी स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना अगर आप जाके इनकी वेबसाइट पर चेक करोगे तो ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ये चलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर। मतलब आप अगर आपने बीटेक नहीं किया कहीं से, आप मान लो डिप्लोमा होल्डर हो, तो भी आप इनके इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सकते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना करियर जो है वो बना सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है सीईपीटी अहमदाबाद, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सिटीज है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ना ये आर्किटेक्चर्स प्लानिंग के लिए काफी फेमस है, और आप जाके नेट पर चेक भी कर लेना, गुजरात के अंदर ये यूनिवर्सिटीज है। टॉप इंडिया के जो टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं उसमें इसका नाम आता है। और यहाँ पे आपको जो एमबीए प्रोग्राम मिलेगा ना वो भी आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ ही मिलेगा, जिसका नाम है एमबीए इन अर्बन मैनेजमेंट। क्या नाम है इसका, एमबीए इन अर्बन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अर्बन मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर वाले भी इसको करते हैं, साथ ही साथ एज ए सिविल इंजीनियर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी काफी फेमस यूनिवर्सिटीज है और आप जाके इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है एनआईटी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। हर एक स्टेट के अंदर एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, दिल्ली के अंदर भी है, आप यूपी में रहते हो तो यूपी में भी है, इलाहाबाद के अंदर, तो हर एक स्टेट के अंदर, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र है, तो ऐसे हर एक स्टेट के अंदर एक एनआईटी है। और इसके अंदर भी आपको कोर्सेज मिलेंगे, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी सिर्फ यही एनआईटी है जहाँ पे मैनेजमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। एनआईटी सूरत कल है, वारंगल है, नागपुर है और सूरत। तो ये टोटल 4 एनआईटीज हैं जो प्रेजेंट टाइम में आपको मैनेजमेंट कोर्स की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा काफी सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है इंडिया के अंदर जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के प्रोग्राम जो है वो चला रही है। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैंने कोई रैंकिंग वाइज आपको नहीं बताया कि पहला कॉलेज है तो फर्स्ट रैंक है, दूसरा कॉलेज है तो सेकंड रैंक है। मैंने आपको वे कॉलेज बताए हैं जो कि फेमस है और ज्यादातर लोग जो है एडमिशन लेना जिन कॉलेजेस के अंदर जो है प्रीफर करते हैं। देखो, आपको अगर ग्रो करना है तो कुछ हटके आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसी माया जाल के अंदर फंसे रह जाओगे जहां से आप निकलना चाहते हो, जिस दलदल से आप, उसी दलदल के अंदर अपने आप को फंसा लोगे।
अगर आप जो है जो ट्रेडिशनल जो तरीके चले आ रहे हैं अगर उनको ही आप यूज करते आओगे, तो इसलिए अगर आपको कुछ अलग करना है शॉर्ट टर्म के अंदर, आपको लंबी छलांग लगानी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट भी उसी लेवल का लगाना पड़ेगा। मार्केट में आप जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके या ग्राउंड पे जाके चूना डाल के 4 लाइनें खींचने से आपके करियर में कुछ होने वाला नहीं है। आप वापस उसी दलदल में चले जाओगे जिस दलदल से आप निकलना चाह रहे हो। तो इसलिए क्वालिफिकेशन पे फोकस करो, जितनी हाइयर आपकी एजुकेशन होगी उतने ही चांसेस हैं आपके ग्रो करने के। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स काफी सारे इंस्टीट्यूट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए, जाके इनके बारे में सर्च करना। अगर आप इनके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, फी स्ट्रक्चर्स वगैरह भी अगर आप चाहेंगे तो किसी अदर वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर देंगे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और कोई भी क्वेरी है बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, थैंक यू।